नमस्कार दोस्तों, पूनम की झटपट रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बैंगन का कलौंजी बनाना सिखाऊंगी। बैंगन का कलौंजी बनाना बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं कि मैंने बैंगन का कलौंजी बनाने के लिए किन किन सामग्रियों का प्रयोग किया है। इसके लिए मैंने 600 ग्राम बैंगन को लिया है। ये मैंने छोटे साइज का बैंगन लिया है। इसका कलौंजी काफ़ी अच्छा बनता है। आप चाहे तो बड़ा बैंगन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो चलिए देखते हैं मसालों में मैंने क्या क्या लिया है। मसालों में मैंने 1 टेबल स्पून धनिया, 1 टेबल स्पून मैंने सौंफ लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून मेथी और 1/2 टीस्पून मैंने कलौंजी या मंगरेला को लिया है। 1 टेबल स्पून मैंने अमचूर लिया है, 1 टेबल स्पून नमक और सरसों का तेल। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है और अब मैं इन मसालों को डाल दे रही हूँ और इसे हल्का इस तरह से भून लेना है। हल्का भुनने के बाद इसे मैं मिक्सी में पीस लूंगी। ये देखिए, मसालों से हल्का महक आने लगेगा। अभी इसे थोड़ा और भून लेना है। ये देखिए चटकने का आवाज आ रहा है। ये देखिए मसाला हमारा भून चुका है और अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ। मसाला हमारा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसे मिक्सी के जार में इस तरह से डाल दे रही हूँ और इसे पीस लूंगी। ये देखिए मैंने मसालों को इस तरह से मिक्सी में पीस लिया है। हमारा पीस चुका है और अब मैं इसे प्याले में निकाल लूंगी और अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून अमचूर को डाल दूंगी और 1 टेबल स्पून नमक। तो इसे डालकर इसे अच्छी तरीके से इस तरह से मिला लेना है। इसमें 1 टेबल स्पून के लगभग सरसों का तेल इस तरह से मिला लूंगी। ये हमारा बैंगन में स्टफ करने के लिए ये मसाला तैयार है। मैंने सभी बैंगन को इस तरह से बीच से इस तरह से कट कर लिया है। सभी बैंगन को मैंने इस तरह से कट कर लिया है, ये देखिए। और अब मैं इन सभी बैंगन में इस तरह से मैं मसालों को इस तरह से भरूंगी। ये देखिए इस तरीके से। इसी तरीके से मैं सारे बैंगन में मसालों को इस तरह से भर लूंगी। मैंने बैंगन में सभी मसालों को इस तरह से स्टफ कर लिया है और अब मैं कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है और अब इसमें सरसों का तेल डाल दूंगी। ये देखिए, और अब मैं बैंगन को इस तरह से Thank you.
बैगन को इस तरह से और मैं इसे अब ढक दूंगी, अब आंच को धीमी कर दूंगी और इसे ढककर धीमी आंच में पकाना है। जब ये हल्का पक जाएगा तब मैं इसका ढक्कन हटा दूंगी। ये देखिए हमारा कलौंजी अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है और अब मैं गैस को बंद कर दे रही हूँ और इसे प्लेट में इस तरह से निकाल दूंगी। ये हमारा कलौंजी बनकर बिल्कुल तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई करें और इसे बनाएं, खाएं और हमें बताएं कि आपको ये कैसा लगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।